हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज मेरा व्लॉग। और मैं हूँ रिचा। तो अभी दो दिन से मैं व्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, बट मैंने आज सोचा कि दो दिन का गैप तो हो चुका है तो आज मैं व्लॉग कैसे भी स्टार्ट कर ही देती हूँ। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, अभी 2 बजने वाला है और मेरा सारा काम हो चुका है। अब मुझे बनाना है खाना, तो मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ पुलाव और रायते की रेसिपी शेयर करूं, जो कि बहुत जल्दी से बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा इजी होता है बनाना। तो गाइज़, मैं आप लोगों के साथ बेडशीट भी शेयर करने वाली थी जो कि न्यू रखा हुआ था। तो आप देख सकते हो कि बेडशीट कुछ इस तरीके की है। मुझे तो कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग प्लीज़ बताना कि आपको बेडशीट कैसी लग रही है। तो गाइज, मैं बनाने वाली हूँ पुलाव और रायता, जो कि बहुत सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ मैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं पुलाव बनाने के लिए क्या क्या ले रही हूँ। तो गाइज, मैंने पुलाव बनाने के लिए लिया है एक छोटा सा प्याज, कच्ची मिर्ची और धनिया लिया है और एक टमाटर लिया हुआ है। इसमें आप कोई भी सब्ज़ी अगर आपको ऐड करनी है तो आप कर सकते हो, बट मैं कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं आलू भी ऐड नहीं कर रही हूँ, बट आपको अगर सब्जियां और आलू डालना इसमें अच्छा लगता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। देन मैंने लिया है 1 कटोरी चावल और उसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसमें 1.5 कटोरी पानी डाल के मैंने इसे रख दिया है। गाइस, जब भी आप पुलाव बनाते हो तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने 1 कटोरी चावल लिया है तो आपको उसका आधा ज़्यादा पानी डालना है, मीन्स आप 1.5 कटोरी पानी डाल सकते हो, जिसमें कि पुलाव बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनता है। और अगर आप नॉर्मल चावल भी बना रहे हो तो भी आप 1.5 कटोरी पानी डाल सकते हो। इसके अलावा आपको पुलाव के लिए ज़रूरत पड़ेगी तेज पत्ते की। अगर आप तेज पत्ता नहीं भी डालना चाहते हो तो भी चलेगा, बट तड़के में मैं 1 तेज पत्ता डाल देती हूँ। और ज़रूरत पड़ेगी नमक की। पुलाव में डालने वाली हूँ ये शाही बिरयानी मसाला एवरेस्ट का। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो, नहीं डालना है तो नहीं डाल सकते। इससे क्या होता है ना कि जब भी आप पुलाव मतलब सादा बनाते हो ना, तो इससे थोड़ा बिरयानी वाला टेस्ट आ जाता है, बस इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ पुलाव में। तो गाइज, रखने वाली हूँ मैं यहाँ पर कुकर। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, जब तेल गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे जीरा थोड़ा सा, और ये मैंने 2 तेज पत्ता को मैंने तोड़ दिया है, 4 टुकड़े कर दिए हैं, ये डाल देंगे हम। जैसे ही तेज पत्ता और जीरा सीख जाए, अब हमें डालना है इसमें प्याज, मिर्ची और साथ ही हम डाल देंगे टमाटर। तो हमने जितना भी चॉप करके रखा था वो जब हम एक साथ डाल देंगे और इसे थोड़ा सा सेक लगने देंगे। इसे ज़्यादा सेक नहीं लगाना है, बट हल्का ही सेक लगाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे एवरेस्ट मसाला, जो पुलाव मसाला है, उसके बाद डालेंगे हम नमक, स्वाद अनुसार डालना है आपको। देन सबको अच्छे से मिला देना है। देख सकते हो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ब्राउन। उसके बाद डालना है आपको आपने जो चावल और पानी, 1.5 कटोरी पानी इसमें डाल के रखा हुआ था और चावल रखा हुआ था, वो आपको डाल देना है इसमें। गैस आपको हाई फ्लेम में करना है और इसे अच्छे से मिला देना है। अब देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से हो गया है। अब आपको कुकर का ढक्कन लगा देना है। आपको कुकर का ढक्कन लगा के 2 सीटी आने देना है, फिर आपका पुलाव रेडी हो जाएगा। तो गाइस, हमारा पुलाव बन चुका है। अब हमें लेना है रायते के लिए एक पतीला, फिर उसमें डालना है हमें दही। आपको जितनी भी दही चाहिए आप ले सकते हो, उसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। अब इस पे डालूंगी मैं पानी।
इसकी थिकनेस भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अगर आपको रायता थिक पसंद है तो आप इसमें पानी कम डालिए, बट अगर आपको पतला चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें अभी और थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, इसे अच्छे से फेंट लेंगे हम। इसमें डालेंगे हम जीरा पाउडर, अब डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्च बहुत थोड़ी सी ही डालनी है सिर्फ स्वाद के लिए। अब डालेंगे इसमें हम काला नमक, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डाल देंगे हम धनिया पत्ती। आप चाहें तो आप इसमें बूंदी ऐड कर सकते हैं, आलू ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई और रायता पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसे रखना है मुझे फ्रिज पे, तो मेरा रायता तैयार है। तो गाइज मेरा पुलाव और रायता हो चुका है रेडी, और मुझे इसे बनाने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगा होगा। और तो आप देख सकते हो खाना बनाने के साथ साथ मैंने पूरा किचन को कर दिया है क्लीन बहुत ही अच्छे से। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, तो कोई भी सामान इधर से उधर करती हूँ तो वो मैं तुरंत तुरंत रखते भी जाती हूँ जब उसका काम होता जाता है, क्योंकि क्या है ना, इससे कि बहुत सारा काम और बढ़ जाता है। मैं कुकर भी आपको ओपन करके दिखाऊंगी। एक्चुअली क्या है, जब भी आप पुलाव बनाते हो तो आप उसे 5-10 मिनट रेस्ट के लिए रख दिया करो ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। आप तुरंत ही कुकर ओपन मत किया करो। तो मैं करने वाली हूँ अपने हस्बैंड का वेट, जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर मैं कुकर ओपन करूँगी, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि पुलाव कैसा बना हुआ है। तो गाइज आज शाम को जाना है मुझे मार्केट, क्योंकि मुझे लेनी है साड़ी, और मैं सोच रही हूँ कि मैं मार्केट जा ही रही हूँ तो मैं वहाँ पर कहीं पर थ्रेडिंग भी करवा लूँगी। आप देख सकते हो मेरी थ्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है। एक्चुअली कल मुझे कहीं जाना है तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं थ्रेडिंग भी आज करवा ही लूँगी। थ्रेडिंग कराने से फेस में थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे। तो गाइज मैं कुकर खोलने वाली हूँ, और आप देख सकते हो पुलाव कुछ इस तरीके से है, तो हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो गाइज हमारा पुलाव और रायता दोनों ही रेडी है। तो गाइज मैं जा रही हूँ थ्रेडिंग कराने के लिए, और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। सो मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय गाइज़।